गौरव जी वो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी इस बार वहां से हारेंगी पूछा। और राहुल गांधी हराएंगे। देखिए ऐसा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कुछ तो बचा नहीं अब गांधी परिवार और कांग्रेस के पास। ये सपने ही तो हैं कि इनको जिंदा रखते हैं। हम लोग इतने क्रूर भी नहीं है कि वो भी छीन ले। सपने देखने दीजिए, जून आएगा पता चल जाएगा कहाँ खड़े हैं। डबल डिजिट की पार्टी नहीं रहेगी, आप देखिएगा। मैं जो सवाल पूछना चाह रहा था उसका उत्तर नहीं मिला। मैंने पूछा कि ये कैसा घमंडिया गठबंधन है या ठगबंधन है कि राहुल गांधी जो सबको ठगते हैं उसको ठग लिया लेफ्ट ने और अपना प्रत्याशी दे दिया। 5-6 मिनट इधर उधर घुमाते रहे बेचारे, कोई जवाब अभय भाई के पास था ही नहीं यार। ये क्या दर्शाता है अंजना जी? ये दर्शाता है कि ये लोग आपस में भी खंजर निकाले खड़े हैं, किसको कब कौन मारेगा ये पता चल जाएगा बहुत जल्द। दूसरी बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मैंने बताया किस तरह से अमेठी जो कि गढ़ था गांधी परिवार का, वहां स्मृति जी ने राहुल गांधी को धाराशायी किया। और इसी तरह से याद करिए बनारस में अरविंद केजरीवाल 2014 में आए थे और उसके बाद वो हारे थे, 2019 में वो लौटे नहीं थे। ये क्या दिखाता है? हम चारों खाने चित करते हैं अपनी ईमानदारी और मेहनत से, और जब धोबी पटक दाव चलता है और गिर जाते हैं ये लोग, उसके बाद उठ के वापस आने की हिम्मत भी बचती नहीं है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। तीसरी बात उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, मेरा नाता है, मैं एक बात बताता हूं अंजना जी, क्या ये सच नहीं है 2017 में 7 सीटें आई, बताइए 403 में 60 सीटें असेंबली चुनाव में, 22 में 2 सीटों पे ये सिकुड़ के रह गए। मतलब राजीव गांधी ने इनको चादर दी थी, चादर का रुमाल बना दिया राहुल गांधी ने। फिर 2014 पे आते हैं, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश, 80 सीटों में 2 पे रह गए थे, ठीक है, हमारी 73 सीटें आई थी, उन 2 में भी 1 रह गई 2019 में। और 2022 के चुनाव का एक आंकड़ा आपको बताता हूं, कितनी बुरी हालत है कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में, क्यों राहुल गांधी वहां नहीं आते डर के। 399 सीटें लड़े, करीब 380 में इनकी जमानतें जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई, सोचिए आप अंजना जी, मतलब 1/6 वोट नहीं पाए। तो ये तो इनकी इस वक्त राजनीतिक हैसियत है, ठीक है, ये 19 की हैसियत है। और इसके बाद अब मैं आता हूँ आपके प्रश्न पे, 19 की हैसियत है, यहाँ आते आते क्या होता है 24 में देखना होगा। लेकिन एक सवाल और जो एसडीपीआई को लेकर है, सुबह से आपके हर नेता से एसडीपीआई पर चर्चा हो रही है, आपको बैन करना है, ये पॉलिटिकल आउटफिट है पीएफआई का, आप बैन कीजिए, क्यों नहीं करते है? नहीं अंजना जी, इसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ विधिक पहलू है और आपको समझाऊंगा, आप समझदार हैं समझ जाएंगी। कांग्रेस के लीडर्स के लिए मैं ये बात नहीं कहूंगा। मुझे याद है वो सारी चर्चाएं आपके साथ होती थी, ठीक, क्या है विधिक बताइए ना, पीएफआई पे बैन लगा के दिखाओ, बीच में छोटा उतर जाएगा आपका, मैं बताऊंगा। ऐसे थोड़ी ना ज्ञान अर्जित करेंगे, पहले गुरु मानिए, बीच में मत ठोकिए, पहले गुरु मानिए, अभी ज्ञान दे रहा हूं मैं आपको, शांत होइए ना। अरे गुरु घंटाल है, शांत होइए भैया, गुरु नहीं है। गुरु मानेंगे तो फिर मैं आपको जो है ज्ञान दूंगा, गुरु दक्षिणा भी ले लूंगा। अंजना जी ये गलत बात है, प्लीज शांत करें, गुरु घंटाल हो, ठीक है ठीक है। इनके बीच में इसीलिए नहीं बोलता, बीच में नहीं। बोलिए। अरे राहुल गांधी को क्यों गुरु घंटाल कह रहे हो? घंटा तो बना ही दिया है। गौरव जी वापस टॉपिक पे, गौरव जी बजा रहे हैं, वापस टॉपिक पे, वो बीच में हम नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। मैं टॉपिक पे ही था, वो गुरु घंटाल बोला किसी ने, आपने सुना होगा, सुना अंजना जी, किसी ने गुरु घंटाल बोला था, अभी मत बोलिए, इसीलिए जवाब देना पड़ा, वरना मैं तो उनको पूरा शिक्षा देने जा रहा था। विधिक सुनिए, पीएफआई एसडीपीआई पे मैं आपको कुछ तथ्य रखूंगा बड़े अहम। पीएफआई एसडीपीआई बैन होने से पहले भी पीएफआई का समर्थन कांग्रेस पार्टी लेती आई है। हमारे कार्यकर्ता रुद्रेश और तमाम और भाजपा के और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट इन्होंने उतारा है, और उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी केवल चुनाव जीतने के लिए उनका समर्थन लेती थी। फिर हमसे कहते थे चुनौती देके कि बैन कब लगाओगे, बैन लगा। ये
सत्य बात है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एसडीपीआई पे आपने कहा बैन क्यों नहीं लगा, मैं आपको एक विधिक पहलू बताता हूं। एसडीपीआई इज अ पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना अंजना जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनुच्छेद 324 में सिंबल अलॉटमेंट ऑर्डर होता है, एक सिंबल देती है, और ये क्षेत्र अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, और इसीलिए अगर हम हस्तक्षेप करेंगे उसमें तो ये कानूनी तौर पे और संवैधानिक तौर पे ठीक नहीं होगा। लेकिन नैतिकता के आधार पे जो ज्यादा जरूरी सवाल है, आप मुझे ये बताइए क्यों नहीं इन्होंने ये कहा कि एसडीपीआई से हम समर्थन नहीं लेंगे। आपको मैं कर्नाटका के असेंबली चुनाव की बात बताऊं, इसी तरह से कर्नाटका के चुनाव में एसडीपीआई ने कहा हम समर्थन दे रहे हैं, और कांग्रेस के नेताओं ने कहा वी वेलकम इट। मैं तो आज चुनौती देता हूं खड़गे जी आज ही एक प्रेस नोट जारी करे और धिक्कारे, कहे एसडीपीआई पे बैन लगना चाहिए, तब तो मैं बात मानूंगा कि यहाँ पे आके प्रवक्ता हमसे पूछ रहे हैं कि बैन क्यों नहीं लगाते हो। एक तरफ उसके साथ झप्पी मारो और दूसरा टीवी डिबेट पे कहोगे कि बैन लगाओ, ये कौन से आपके दोहरे मापदंड है। एक तो वो कह रहे हैं कि जो कि सच है, अगर एसडीपीआई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको सरकार नहीं इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन पर बैन लगेगा। दूसरा पहलू, आप लोग क्यों नहीं कहते 80,000 वोट के लिए सर, पूरे इलेक्शंस में पिछली बार उनको 70-80,000 वोट मिले थे। अंजना जी आपको सामने आकर कहना चाहिए हमें समर्थन नहीं चाहिए चंद वोटों के लिए। दो बड़ी बातें मैं कहना चाहता हूं आपके सामने। एनआईए ने प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, जो कि अधीन होता है देश के गृह मंत्री के, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं, अगर कोई संस्था आतंकवादी है, उसका राजनीतिक संगठन है, तो इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना और बेशर्मी भरी बात हो सकती है कि देश की सरकार ये कहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रतिबंध लगाएगा। अरे अगर आतंकी संगठन है तो आपको आपकी प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, जिसमें आपने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया, इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। चुनाव आयोग का कोई सरोकार नहीं। आज कहे देश के गृह मंत्री कि हम एसडीपीआई पर प्रतिबंध, क्षमा मांगे एक तो कि पीएफआई पर लगाया, एसडीपीआई पर इसलिए नहीं लगाया कि सत्ता की भूख मिटाना चाहते हैं, हम दूसरे राजनीतिक दलों को बदनाम करना चाहते हैं। ये स्टोरी भी छपी है अंजना जी, आप गूगल कीजिएगा कि कर्नाटका के स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एसडीपीआई का समर्थन लेकर वहां पर अपना अध्यक्ष बनाया है। आप ये चुनाव के बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको, ये आप गूगल करके देख लीजिएगा, समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बात किसी देश के गृह मंत्री ने नहीं की जो आज भारतीय जनता पार्टी कह रही। क्या बात करते हैं आप, क्या आतंकी संगठन पर चुनाव आयोग प्रतिबंध लगाएगा? अरे कोई पाकिस्तान की संस्था अगर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा रहेगी, कोई स्लीपर सेल का आदमी, और देश के गृह मंत्री को पता लग गया कि वो आतंकी संस्था है, और ये पता लग जाए कि वो प्रधानमंत्री की हत्या करना चाहती, इसका आज आशय क्या है? इसका आशय साफ है कि आप इस देश के साथ द्रोह कर रहे हैं, इस देश की प्रजातंत्री व्यवस्था के साथ द्रोह कर रहे हैं। हमने तो साफ कहा, तब भी कहा था अंजना जी आपके चैनल पर मैंने, और मैंने ये बात उठाई थी कि एसडीपीआई पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे।